हेलो सुबह, स्वागत है आपका एक वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप भी एंगुलर से अपनी साइट को आप डिप्लॉय करते हैं और उससे पहले अपने बिल्ड फाइल करते हैं तो आपको भी देखो कुछ ये वार्निंग मिल रही है, तो इनको फिक्स कैसे करना है इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे अपने एंगुलर की साइट पर जाते हैं, यहाँ पे एंगुलर AI ने सर्च किया और यहाँ पे अपने बिल्ड का जो भी देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ng बिल्ड। देखो यहाँ पे इनमें सिंपल कमांड होते हैं, ये दो कमांड ये करके करते हैं तो आपको ये एरर मिल रहा है, देख सकते हैं ये मिल रहा है। तो इनको फिक्स कैसे करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एरर ये करके कि ये साइट पूरी बनी हुई है मेरी। यहाँ पे सर्वर, उसको सर्व कर लेते हैं, थोड़ी देर वेट कर लो आप, फिर बताएंगे इसको फिक्स कैसे करना है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि कुछ KB कि यहाँ पे ना बजट 500 KB वॉज नॉट मीट बाई 3.59 KB विद द टोटल, टोटल ये है, ठीक है। तो पहले अपने देखो एनजीस, यहाँ पे देखो मैंने ये साइट बना रखी है तो मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा कि आप सिंपल ये होस्टिंग है उस पर कैसे कर सकते हो, वेब होस्टिंग पे एंगुलर पर डिप्लॉय कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये भी इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइट है, अब मैं बताऊँगा कि इस साइट को किस तरीके से आपको बिल्ड फाइल बनानी है, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको मिनिमाइज कर दिया, मैं अपने फोल्डर में आ गया, यहाँ पे VS कोड की। और यहाँ पे देखो मैंने पहले यहाँ पे कंट्रोल सी करके यहाँ पे ng bb चाहिए या फिर बिल्ड पूरा लिख दो और इंटर कर दो। सिंपल इंटर करोगे तो देखो आपको कुछ एरर वापस यही देखने को मिलेंगे, यहाँ पे चल रहा है। देखो ये तीन एरर वापस वो की वो मिल रही है, इनको फिक्स कैसे करना है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखो नीचे नीचे angular.json की फाइल है ये रही, इस पर आना है अपने को। और यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे कह रखा है कि बजट 500 KB 500 KB वॉज नॉट द मीट बाई द 17.59 KB विद द टोटल ऑफ 1.7 KB, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 KB क्या ना, इसको अपने 20 KB कर देते हैं या फिर इसको 1 MB कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अपने इसको भी 1 MB कर देते हैं। देखो इसको कर दें 1 MB कर दिया सिंपल, इसको भी एक मिनट एक बार रहने देते हैं, देखते हैं केवल उससे काम हो जाए। तो आपको angular.json में ना यहाँ पे देखो फाइल लाइन नंबर देख लो आप, 40 40 40 पर आपको 1 MB करना है, उसको सिंपली सेव करना है। एंड देन अगेन कंट्रोल सी दबाना है, आपको ng बिल्ड दबाया और एंटर किया, वापिस से देखते हैं ये काम करता है नहीं करता, वापिस कुछ टाइम लेगा। तो बता दूं सिंपल ये देखो उसको के लिए अभी इनकोड करना है, तो इनको देखो अपने 20 KB कर देते हैं, ठीक है। और इसको वापिस से सेव किया और वापिस से एनजी, अभी मैंने क्या कौन सी लाइन में 45 वाली लाइन में किया है टाइप एनी कंपोनेंट स्टाइल वाली में, ठीक है, वॉर्निंग वाला कर दिया और यहाँ पे एनजी बिल्ड कर दिया और सेव कर दिया सिंपली। ये सारी केवल एंगुलर है, अगर आपकी एंगुलर आप एंगुलर पर साइड पर रहो तब दिक्कत आ रही है, तब ये फिक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी सारा चल रहा है वैसा वैसा, और ये मेरी साइट है। अगर आपको अपनी साइट वगैरह बनानी हो, कुछ डिस्कस करना हो तो आप मेरे को DM कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। मैं वापस आते हैं, यहाँ पे देखो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसकी बिल्ड फाइल भी बन गई होगी, मैं यहाँ पे फोल्डर में गया था आपको रिफ्रेश करके, ठीक है। देखो ये डिस्ट ये फाइल भी यहाँ पे बन गई इसकी, ठीक है, इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप यहाँ पे वेब होस्टिंग पे डिप्लॉय कर सकते हो, अपने पास VPS होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग या नॉर्मल होस्टिंग पे आप डिप्लॉय कैसे कर सकते हो, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में जो उसके बाद में बनाऊंगा, तो आपको अगर वो देखना हो तो आप देख सकते हो। अगर मेरा वीडियो नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, तब फिर मैं वीडियो बना दूंगा, आप तब भी देख सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।